हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कट ऑफ देने वाला हूं। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा हो चुकी हैं उन सभी का कट ऑफ देने वाला हूं, और मैं इस वीडियो में सभी कोर्स का कट ऑफ दूंगा, यानी कि जितने भी कोर्स थे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और जितने का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, मैं लगभग उन सभी कोर्स का कट ऑफ दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़रा सभी स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं हम BCA का। तो BCA का देखेंगे, फिर सबका देखेंगे हम, परास्नातक का देखेंगे, स्नातक का, सभी का देखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और मैं सभी को उसका बताऊँगा। तो BCA का अगर आप देखेंगे तो अनारक्षित वर्ग में 152 या इससे अधिक पर होगा एडमिशन, और अनुसूचित जाति में 108 या इससे अधिक पर, और अनुसूचित जनजाति में 110 या इससे अधिक पर, और BBA का कर्मचारी पहले जो कैटेगरी के आते हैं उनका मेरिट के क्रम में सीट की उपलब्धता तक एडमिशन होगा। और इनका जो फीस लगेगा 15,000 प्रत्येक सेमेस्टर में लगेगा, और जो इनका एडमिशन होगा दीक्षा भवन के कक्ष संख्या 106 में होगा, और डेट रहेगा 7 नवंबर 11 बजे से 1 बजे तक। तो आप चाहें तो जाके एडमिशन करा सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है MSc फिजिक्स का। तो MSc फिजिक्स में अनारक्षित वर्ग में 18 या इससे अधिक अंक तक पाने वाले विद्यार्थियों का, और अनुसूचित जाति में 70 या इससे अधिक, और अनुसूचित जनजाति में सभी का एडमिशन होगा। और स्थान आपका रहेगा भौतिकी विभाग में कक्ष संख्या 103 में, और डेट आपका रहेगा 7 नवंबर को 10:30 से 2 बजे तक। तो MSc फिजिक्स में आपको एडमिशन कराना है तो जाके करा सकते हैं। अगला देखते हैं BFC नर्सिंग का। तो BFC नर्सिंग का एडमिशन जिनका भी नंबर 108 है 136 के बीच में है, उनका एडमिशन गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालापा रोड सोनवर्षा गोरखपुर में होगा, और आपका समय रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक, और दिनांक रहेगा आपका 10/11/2020, और 11 तारीख को आपका भी एडमिशन होगा 10 से 2 बजे, और जिनका भी नंबर 100 से अधिक है उनका होगा, और जिनका नंबर 64 से अधिक है उनका एडमिशन 10 तारीख को होगा, समय आपका रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक, और आपका कॉलेज स्थान रहेगा गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालापा रोड सोनवर्षा गोरखपुर में। लेकिन आपके लिए कुछ जरूरी सूचना ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कि समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के अनुसार की जाएगी। प्रवेश हेतु मेरिट में आने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं फीस के साथ प्रथम किस्त की धनराशि 69,000 रुपये मात्र नगद के साथ तथा तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश ले लें। नीचे दिए गए समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर उक्त सीट अगले अभ्यर्थी को की चले जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की होगी। अगला देखते हैं MSc इंग्लिश का। तो MSc इंग्लिश में 108 या इससे अधिक अंक तक पाने वाले सभी संवर्गों के अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाएगा, और 88 या इससे अधिक अंक तक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक पाल्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाएगा, जबकि दिव्यांग में सभी अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाएगा, और स्थान आपका रहेगा अंग्रेजी विभाग, और डेट आपका रहेगा 7 नवंबर 9 बजे से। अगला देखते हैं, अगला है MA MSc रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन का। तो इन लोगों का एडमिशन 108 या इससे अधिक अंक तक सभी संवर्गों के अभ्यर्थियों का होगा, और 88 या इससे अधिक अंक तक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक पाल्य कैटेगरी के जो भी आते हैं उनका एडमिशन होगा, और दिव्यांग कैटेगरी का सभी का एडमिशन होगा, और स्थान आपका रहेगा रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विभाग, डेट आपका रहेगा 7 नवंबर 11 बजे से 2 बजे तक। 7 और 9 दोनों को आपका एडमिशन होगा, और 11 बजे से 2 बजे तक होगा। और अगला कट ऑफ देखते हैं BBA का। तो BBA का आप देख सकते हैं कि BBA का जो प्रवेश होगा दीक्षा भवन में होगा, और आपका दिनांक रहेगा 8 तारीख को होगा और 9 तारीख को भी होगा, और आपका समय रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि BBA में जिनका भी 122 अंक तक प्राप्त हुआ है किसी भी कैटेगरी का सभी अभ्यर्थियों का, तो वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और OBC में अगर 112 अंक तक पाए हैं, और EWF वाले अभ्यर्थी 96 अंक तक पाए हैं, तो वहाँ जाकर BBA में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनका भी FC वर्ग में 58 या इससे अधिक अंक तक है उनका एडमिशन BBA में लिया जाएगा, और साथ ही विभाग में चश्मा सूची के अनुसार एक्स डिफेंस पर्सनल डिपेंडेंट एवं फ्रीडम फाइटर सेवारत कर्मचारी पाले यूनिवर्सिटी इम्प्लाई वार्ड का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का एडमिशन भी उसी दिन लिया जाएगा, 8 तारीख को और 9 तारीख को। तो आप लोग जाके वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर बात करें PG डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन का, तो इनका सभी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, और आपका स्थान रहेगा रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विभाग, डेट आपका रहेगा 7 नवंबर 11 बजे से 2 बजे तक। अगला देखते हैं MA प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग का। तो यहाँ पर 188 से
134 सभी वर्गों के लिए फमा यानी कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी वर्गों का एडमिशन जिनका भी नंबर 134 से 188 के बीच में है उनका एडमिशन लिया जाएगा। और आपका स्थान रहेगा प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग कक्ष संख्या 1 और आपका डेट रहेगा 7 नवंबर को 10 बजे से 2 बजे तक आपका एडमिशन होगा। तो आप जाके करा सकते हैं जिनका भी 134 नंबर है या फिर 134 से ज़्यादा और 188 से कम है या फिर 188 है तो उनका एडमिशन होगा। अगला देखते हैं MFC कृषि का। तो MFC कृषि का सामान्य वर्ग में 110 या इससे अधिक अंक तक का एडमिशन होगा और अन्य पिछड़ा वर्ग में 96 या इससे अधिक अंक तक एडमिशन होगा और अनुसूचित जाति में 74 अंक तक एडमिशन होगा और यह सभी एडमिशन सुबह में होगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति का एडमिशन 68 अंक तक 1:30 बजे से होगा और कर्मचारी पाले EWF एवं अन्य विशेष संवर्ग के अभ्यर्थियों का एडमिशन 1:30 बजे से होगा और आपका स्थान रहेगा दीक्षा भवन में। लेकिन इसमें एक नोट है कि यदि किसी संवर्ग में सीट रिक्त रही तो शेष प्रवेश 8 नवंबर को लिया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा अगर आपका इसमें अगर सीट खाली रहेगी तो इनका और भी प्रवेश होगा और 8 नवंबर को होगा। अगला कट ऑफ देखते हैं MFC इन्वायरमेंटल साइंस का। तो MFC इन्वायरमेंटल साइंस में अनरिजर्व जो कैटेगरी के आते हैं UR के उनका एडमिशन 96 अंक तक होगा और OBC का 90 अंक तक SC का 82 अंक तक तथा EWF का 46 अंक तक होगा। और स्थान आपका रहेगा जूलॉजी डिपार्टमेंट, दिनांक रहेगा आपका 7 नवंबर से 10 बजे से 2 बजे तक। और अगला देखते हैं MFC जूलॉजी का। तो MFC जूलॉजी में अनरिजर्व कैटेगरी के 132 तक एडमिशन होगा, OBC का 128 तक होगा, SC का 88 तक होगा, FT का 100 तक होगा, EWF का 120 तक होगा, FF जो कैटेगरी के आते हैं उनका 90 तक होगा और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का जो आते हैं उनका 138 तक होगा। लेकिन आपका स्थान रहेगा जूलॉजी डिपार्टमेंट और आपका दिनांक डेट रहेगा 7 नवंबर को 10 बजे से 2 बजे तक। और अगला आप देखते हैं तो बोटनी का, MFC बोटनी का। तो सामान्य वर्ग में 132 या इससे अधिक तक अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का एडमिशन होगा और अन्य पिछड़ा वर्ग में 116 या इससे अधिक, अनुसूचित जाति में 90 या इससे अधिक, अनुसूचित जनजाति में 100 या इससे अधिक और EWF सर्टिफिकेट वालों का 102 या इससे अधिक अंक तक एडमिशन होगा और आपका स्थान रहेगा बोटनी डिपार्टमेंट, डेट रहेगा 7 नवंबर 10 बजे से। अगला देखते हैं MFC माइक्रोबायोलॉजी का। तो MFC माइक्रोबायोलॉजी का एडमिशन अनारक्षित वर्ग में 122 या इससे अधिक अंक तक होगा और EWF वालों का 102 या इससे अधिक अंक तक, अन्य पिछड़ा वर्ग का 104 या इससे अधिक अंक तक तथा अनुसूचित जाति का 94 या इससे अधिक अंक तक होगा और आपका स्थान रहेगा बोटनी डिपार्टमेंट और डेट रहेगा 7 नवंबर को 10 बजे तक। और अगला देखते हैं MA समाजशास्त्र का। तो MA समाजशास्त्र में अनारक्षित वर्ग में 122 या इससे अधिक अंक तक, EWF में 86 या इससे अधिक अंक तक, अन्य पिछड़ा वर्ग में 110 या इससे अधिक अंक तक, अनुसूचित जाति में 88 या इससे अधिक अंक तक तथा अनुसूचित जनजाति में 64 या इससे अधिक अंक तक एडमिशन होगा और आपका स्थान रहेगा समाजशास्त्र विभाग, डेट रहेगा आपका 7 नवंबर 10 बजे से 2 बजे तक। अगला देखते हैं अगला कट ऑफ है MA मनोविज्ञान का। तो MA मनोविज्ञान में अनारक्षित वर्ग में 94 या इससे अधिक अंक तक, अनुसूचित जाति में सभी का होगा और अनुसूचित जनजाति में भी सभी का होगा और आपका स्थान रहेगा मनोविज्ञान विभाग कक्ष संख्या 1 में 10 बजे से 2 बजे तक। अगला देखते हैं MA हिंदी का। तो MA हिंदी में अनारक्षित वर्ग में सभी संवर्ग का यानी कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एडमिशन होगा जिनका भी 96 या इससे अधिक अंक तक है और EWF वालों का 46 अंक तक और दिव्यांग का 56 अंक तक एडमिशन होगा और आपका स्थान रहेगा हिंदी विभाग में 10 बजे से 2 बजे तक। अगला देखते हैं MFC होम साइंस का। तो MFC होम साइंस में अनारक्षित वर्ग में 108 या इससे अधिक अंक तक एडमिशन होगा, अनुसूचित जाति जनजाति 80 या इससे अधिक अंक तक होगा और EWF वालों का 100 या इससे अधिक अंक तक होगा और आपका स्थान रहेगा दीक्षा भवन कक्ष संख्या 107 में और समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक, 7 नवंबर को होगा आपका एडमिशन। अगला देखिए MA भूगोल का। तो MA भूगोल में अनारक्षित में यानी कि OBC SC ST सबका 104 या इससे अधिक अंक तक होगा, अनारक्षित में OBC SC ST का भी 104 या इससे अधिक अंक तक होगा और अन्य पिछड़ा वर्ग में 88 या इससे अधिक अंक तक होगा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का 70 या इससे अधिक अंक तक होगा और EWF का 76 या इससे अधिक अंक तक होगा और आपका स्थान रहेगा भूगोल विभाग में 10 बजे से 2 बजे तक, 7 नवंबर को। और बाकी कोर्स का कट ऑफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि सभी कट ऑफ पर वॉइस ओवर करूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।